Hello everyone, this is the time where all the GATE aspirants who has cleared GATE, क्योंकि अभी आपके पास response sheet भी है, answer key भी है और आपने GATE में appearance आपका दे दिया है, सारा कुछ जो GATE से related है वो सारा कुछ खत्म हो गया है। अब आपके दिमाग में ये जरूर से चल रहा होगा कि हमको कहीं ना कहीं से एक guidance program मिल जाए जहां हम ये decision ले पाए कि हमको कहां admission लेना चाहिए, हमारे GATE ranking के अनुसार क्या क्या provisions बन सकते हैं और किसको रिजेक्ट करना चाहिए, किसको सेलेक्ट करना चाहिए और अगर मेरा लो गेट स्कोर है तो क्या पॉसिबिलिटी मेरे साथ बन सकती है, अगर मेरे पास एक अच्छा गेट स्कोर है तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर सारी पॉसिबिलिटी बन रही है तो उनमें से किसको सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारे डाउट्स जो है वो हमारे मन में है, इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे हम वन बाई वन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज IIT हैदराबाद से। रीजन मैं इस वीडियो में आगे आपको बताता रहूंगा, जो लोग जानते हैं कि IIT हैदराबाद का इंपॉर्टेंस क्या है वो लोग ये समझ चुके होंगे कि मैं IIT हैदराबाद से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्वियस है कि जो टॉप रैंकर्स हैं डिफरेंट ब्रांचेस में वो ये हमेशा ये चाहेंगे कि उनको ओल्ड IITs मिले, दैट मींस 8 IITs विद IISc बेंगलोर। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आपका गेट का रैंक उन गेट रैंकर्स के बराबर नहीं है जो टॉप के IITs में टॉप के ब्रांचेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा और वही कॉम्प्रोमाइज जो है वो IIT हैदराबाद है। क्या रियली ये कॉम्प्रोमाइज है कि हम IIT हैदराबाद में पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? मेरा आंसर तो नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे आंसर करना कि क्या आपका आंसर भी नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। So, आज इस IIT हैदराबाद के इस सेशन में मैं आपसे एक पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम शेयर करने वाला हूं जहां आपको मैं सारी डिटेल्स IIT हैदराबाद में पिन टू पिन बताऊंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सारे डाउट्स को इसी वीडियो में कवर कर लिया जाए, इसलिए इस पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम को मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि आज मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके पास ये जरूर से प्रोविजन होगा कि आप इसके कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स और अपने जो भी रीजंस, अपने जो भी जानने की इच्छा है वो सारे को यहाँ पे एक इनपुट के रूप में कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल टेक दैट कमेंट सेक्शन एज न्यू क्वेश्चंस दैट यू वांट टू नो और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड, वट एवर पॉसिबिलिटी इज देयर। सो दिस पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम इज एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम, I will interact with you either in YouTube. मैं इस YouTube में live और recorded videos के through आपसे interact करूंगा, या फिर मैं Unacademy के special classes के through आपसे interact करूंगा. लेकिन I will try to solve all those questions that you have right now about any IITs जो आपके दिमाग में हलचल चल रही है ना किसी भी IITs के बारे में, वो सारे हलचल को समाप्त करने के लिए ये पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम गेट अकेडमी Unacademy की तरफ से आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं IIT हैदराबाद के लिए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम लोग इकट्ठा करते जाए तो काफी सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको ये भी बता दूं कि सैटरडे संडे जो IITs का ऑफ डेज रहता है उन ऑफ डेज में मैं आपको इंटरेक्ट करवाऊंगा इसी IIT के स्टूडेंट से। जस्ट मैंने अभी फोन कॉल में उससे बात किया, आयुष हु इज माई स्टूडेंट एट IIT हैदराबाद VLSI and Vinith, who is also my one of the students from IIT Hyderabad VLSI, they can interact. उन्होंने मुझे आंसर किया कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे ऑन वीडियो ऑन सैटरडे एंड संडे, सो वेट फॉर दैट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज जितना प्रोविजन जितना आइडिया आपको एक लाइव इंटरेक्शन किसी स्टूडेंट्स जो अभी राइट नाउ वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मिल पाएगा, उतना गाइडेंस आपको कहीं और से नहीं मिल पाएगा। सो एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट कि मुझे जो लग रहा है कि आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और ये मेरा वादा है। जस्ट यू जस्ट हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट्स और जब भी वीडियो देखे ना, मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स के में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लगता है कि वीडियो को स्टार्ट होते ही वो अपने डाउट्स लिखना चालू कर देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो कई बार मुझे ये बोलना पड़ता है कि भाई वीडियो पूरा देखो, आपके पास आपके जो भी डाउट्स है उन डाउट्स के आंसर ऑलरेडी मैंने वीडियो पे कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से जो भी इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं कि आगे के वीडियोस को भी देखें और उसके बाद आपको अगर डाउट्स है तो आप डाउट्स पूछें, वरना उसी को आप बार बार पूछते रहेंगे तो आपका डाउट्स का इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बता चुका हूं उसको आप पूछेंगे तो ऑब्वियस है डेट विल गेट इग्नोर्ड इन द कमेंट सेक्शन।
तो आप उन डाउट्स को पूछिए जो मैंने कवर अप नहीं किया है, और जो मैंने कवर अप किया है लेकिन आपको वो पार्ट जो है वो उतना क्लियर नहीं हो पाया है, सो दैट यू हैव टू टेक एज ए क्वेश्चन राइट नाउ. मैं यहाँ पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने हर एक पॉइंट रखता हूँ, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व. मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि उसकी वेबसाइट कैसी है और भी क्या उसमें इनपुट्स है और वो कब ओपन होगा, सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राइट नाउ. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के बारे में मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसके वेबसाइट में चला जाता हूँ. तो ये हमारे पास उसका वेबसाइट है, ये देखिए, दिस इज IIT हैदराबाद.ac.in. यहाँ पे एकेडमिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट्स में जो कोर्सेस होते हैं वहाँ पे मैं आ गया. दिस इज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डेट इज MTech. यहाँ पे MTech या फिर MDes प्रोग्राम इन द फॉलोइंग मोड्स, ठीक है, एक एक करके कवर करेंगे सारी चीजें. आई होप कि ये विजिबल होगा आपके लिए, अगर नहीं विजिबल है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसके लाइट्स को थोड़ा सा कम कर दूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए. इफ पॉसिबल तो मैं यहाँ पे लाइट्स को थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट पार्ट इज विजिबल जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कवर करता हूँ. तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद जिसमें मैं चला गया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में, आपके पास जो जो कोर्सेस अवेलेबल है सबसे पहले वही दिखा दिया, रेगुलर MTech MDes प्रोग्राम. इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर सभी टाइप के पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि जो भी यहाँ पे जिसको हम लोग बीटेक में ब्रांचेस बोलते हैं वहां पे ये स्पेशलाइजेशन को प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं, नेम ऑफ द प्रोग्राम. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सो यू कैन जस्ट हैव ए लुक एट दिस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल है, ठीक है, बायोमेडिकल है, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल सेंसिंग एनालिटिक्स एंड सिमुलेशन, इस तरीके के काफी सारे आपके पास MTech प्रोग्राम्स अवेलेबल है. लेकिन आपको ये भी पता करना रहता है कि वो किस डिपार्टमेंट के अंडर चल रहा है. जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर में चल रहा है मोर और लेस आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेने के लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर पे ही आपको सारी चीजें, आपके रिसर्च विसर्च सारी चीजें वहीं करनी पड़ेगी. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ब्रोशर है आप देखिए यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए भी यहाँ पे ब्रोशर है, ठीक है. तो आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड है और कौन कौन से कोर्सेस आपको स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड में यहाँ पे लेना चाहिए. क्वेश्चन ये है कि ये स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड की जो क्वेरी है इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में क्लियर कर चुका है कि कौन से कोर्सेस स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड होते हैं. स्पॉन्सर्ड मीन्स कि आपकी फीस कोई और दे रहा है, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड मीन्स जैसे आपकी फीस आप खुद दे रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स दे रहे हैं. तो स्पॉन्सर्ड सीट मतलब कि कोई कंपनी है जिसमें आप वर्किंग है, आपको वहां का एक्सपीरियंस है और वो आपको बोल रहा है कि जाओ बेटा जाके MTech करके आओ, डेट इज स्पॉन्सर्ड. तो आपकी पूरी फीस MTech की वही कवर करेगा, वही पे करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आपको MTech करना है, फिर से आपको 2 साल के MTech के बाद उसी कंपनी को सर्विस कर देना है, इसी शर्त पे तो वो आपको MTech करवाएगा, वरना फोकट में तो कोई कुछ नहीं करवाएगा. तो वो हो गया स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड मीन्स आप अपनी फीस खुद दे रहे हैं भले ही उसकी फीस क्रेडिट की ज्यादा है. तो ये स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड कौन लेते हैं, ये वो स्टूडेंट लेते हैं जिनको MTech करने की इच्छा है लेकिन उनका गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में वो कट ऑफ को क्रॉस कर पाए. तो जब कट ऑफ क्रॉस नहीं होता है फिर भी उस पर्टिकुलर ब्रांच में उसको MTech करना है तो वो MTech कर सकता है, यानी लो गेट स्कोर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरा ये कि आपने गेट दिया नहीं है फिर भी आप MTech करना चाहते हैं तो भी आप इस सेल्फ स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड सीट में जा सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैंने आपको काफी सारे ब्रांचेस यहाँ पे दिखाए. चलिए मैं यहाँ पे देखिए सिविल के लिए भी है, एनवायरमेंटल, हाइड्रोलिक, यहाँ पे जियो टेक्निकल जो कि सिविल के डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, केमिकल के भी काफी सारे हैं, डिजाइन के आपके पास विजुअल डिजाइन जो MDes होता है ना उसमें आपको यहाँ पे विजुअल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंट्रक्शन डिजाइन, डिजाइन स्टडीज ये सारी है. मैं यहाँ पे आपको क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो यहाँ पे मेरे पास जो ब्रांचेस यहाँ पे है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग,
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, सिस्टम एंड कंट्रोल, ये सारी ब्रांचेस मेरे लिए है। और ये हो गई 1, 2, 3, 4, 4 ब्रांचेस। आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूँ और मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि और कहाँ पे मेरे लायक चीज़ें हैं। तो मैं ना बहुत इंपॉर्टेंस इन सभी ब्रांचेस को आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा, जहाँ पे मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी लिखा रहता है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट बनते हैं जो आगे जाके ना सभी ब्रांच का एक बढ़िया सा नॉलेज लगते हैं। और इनको जब प्लेसमेंट सेल यहाँ इस कॉलेज में आता है या फिर किसी भी कॉलेज में आता है, तो इन स्टूडेंट्स को वो जरूर से हायर करने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे पैकेज में। तो इन जनरल इंटरडिसिप्लिनरी को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि दिस इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो बहुत ही सही ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नॉलेज होने वाला है वो डिफरेंट ब्रांचेस का एक बढ़िया सा पैकेज आप बन के तैयार हो जाओगे जब एमटेक यहाँ से परस्यू कर लोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंटरडिसिप्लिनरी को बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप एक सभी ब्रांचेस का एक जैक बन जाओगे, जैक ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, जहां पे आप किसी भी डिपार्टमेंट को ऊपर ले जाने के काबिल हो जाओगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो एडमिशन होती है वो लो गेट स्कोर में भी हो जाती है, और पैकेज जो मिलता है वो उन स्टूडेंट्स के बराबर मिलता है जो अच्छे गेट स्कोर से एडमिशन लिए हैं। तो खराबी क्या है, सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट होने की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं, आपका पैकेज अच्छा हो, और आप ये जानते हैं कि मैं किसी भी ब्रांच में बहुत ही उमदा चीज कर सकता हूं, तो डेफिनेटली दिस पार्ट इज फॉर यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या मिलेगा, नाम दिखते जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही सब चीजें हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सही तरीके से पकड़ पाए हैं या नहीं पकड़ पाए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट रिसोर्सेस एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और इंटरडिसिप्लिनरी में इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो सिस्टम पैकेजिंग, ये भी आपके पास है। और यहाँ पे और देखिए इंटरडिसिप्लिनरी में कितनी सारी चीजें हैं, इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को तो ये समझ में ही आ रहा होगा, मेडिकल डिवाइस इनोवेशन, देखिए ये भी इंटरडिसिप्लिनरी है, पॉलीमर्स एंड बायोसिस्टम इंजीनियरिंग, ये भी इंटरडिसिप्लिनरी, स्मार्ट मोबिलिटी इंटरडिसिप्लिनरी है, और ऑप्थेल्मिक इंजीनियरिंग, दिस इज आल्सो इंटरडिसिप्लिनरी। तो ऐसे काफी सारी इंटरडिसिप्लिनरी है। देखिए यहाँ पे भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड की चर्चा की जाएगी, और ये सभी, ये अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ब्रॉशर अभी आया नहीं, लेटेस्ट वाला ब्रॉशर अभी आया नहीं। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एमटेक के बारे में बताया कि किस डिपार्टमेंट को आपको देखना है, क्या देखना है, और उसके बाद उसके ब्रॉशर को किस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग रिसर्च करते हैं थोड़ा सा इस IIT हैदराबाद के बारे में, और पता करते हैं कि IIT हैदराबाद का जन्म कुंडली क्या है, कब आया और इसने अभी तक क्या क्या ख्याति प्राप्त की। तो उसके लिए मैं एक बढ़िया सा नोट्स बना के रखा हूँ, उस नोट्स के थ्रू आपको इसको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए IIT हैदराबाद जो कि 2008 में इसका उद्घाटन हुआ, इसका NIRF रैंकिंग जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन से कॉलेज किस अवधे में है, तो यहाँ पे अभी ये 9th रैंक बता रहा है। सबसे खास बात कि IIT हैदराबाद ना इतना फेमस होने का कारण उसका रिसर्च है, कि IIT हैदराबाद ने अपने आप को रिसर्च में इतना अच्छे से इंडल्ज कर लिया कि बहुत जल्दी ये दूसरे IITs को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल रहा है। और अगर इसका रिसर्च वर्क इसी तरीके से चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब ओल्ड IITs को भी ये टक्कर देगा। ठीक है, अभी आप तो मतलब एकदम फ्रेशर्स है, आपको उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो IIT हैदराबाद अभी भी ओल्ड IITs को अपने प्लेसमेंट में और बाकी रिसर्च काम में बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का रिसर्च वर्क ना उसके पेपर वर्क, रिसर्च वर्क जो है उसके पेपर वर्क से माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7500 प्लस रिसर्च पब्लिकेशन, ऐसे नॉर्मल पब्लिकेशन नहीं, बेहतरीन पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन विद 1 लाख साइटेशन है। ये साइटेशन मतलब उस पेपर को देख के और कितने पेपर्स लिखे गए हैं, ये होता है साइटेशन। तो यहाँ पे या फिर उस पर्टिकुलर पेपर का रेफरेंस और कितने पेपर्स में दिया गया है, तो 1 लाख पेपर में उसका रेफरेंस बस यूज कर लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर का साइटेशन कितनी बार यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 1700 प्लस स्पॉन्सर्ड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में कितने प्रोजेक्ट्स वर्क चल रहे हैं जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या फिर डिफरेंट कंपनीज ने स्पॉन्सर्ड किया है या फिर गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया है।
ये किसी भी कॉलेज के रैंकिंग को बहुत ऊपर ले जाने में बहुत गजब का वर्क करते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता दी ताकि आप जब चॉइस करें, चूज करें इस इंस्टीट्यूट को, तो आपको पता रहे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड को जानने के लिए, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं वो 3800 स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। खास बात इस इंस्टीट्यूट की एक और है जो आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं कि यहाँ पे एमटेक का और एमडेस का ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है। आपको कॉलेज में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जैसे कोविड के टाइम पढ़ रहे थे सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी इसकी खास बात है इसका प्लेसमेंट सेल जो कि बहुत ही गजब है। आप देख सकते हैं मैं इसके प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा नोट्स बनाया। तो यहाँ पे 138 कंपनीज विजिट की थी लास्ट ईयर, जिसमें इन्होंने इस स्टूडेंट से कंपेयर मत करी क्योंकि यहाँ पे बीटेक के भी स्टूडेंट्स है, यहाँ पे एमटेक के भी स्टूडेंट्स है, काफी सारा प्रोग्राम यहाँ पे होता है। तो ऐसा नहीं कि 3800 स्टूडेंट्स में से मात्र 580 स्टूडेंट्स हायर्ड हुए, आगे मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो ये 580 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो हायर्ड हुए, जिसमें से 82 स्टूडेंट्स जो है वो को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, मतलब उनको ऑफर लेटर अभी प्रोवाइड कर दिया गया। 46 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल ऑफर उनको प्रोवाइड कर दिया गया। यहाँ का जो एवरेज पैकेज है, देखिए यहाँ पे खास बात बढ़िया होता है, यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो है 65.46 लाख पर एनएम, जो कि हाईएस्ट पैकेज है, नॉट एवरेज। तो ये जो है ये हाईएस्ट पैकेज है। और एवरेज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इन जनरल यहाँ पे सभी को जो जॉब मिलता है वो 20.73 लाख पर एनएम का जॉब सभी को मिल जाता है। चलिए अब आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इतने सारे स्टूडेंट्स में से इतने ही लोग प्लेसमेंट हुए, तो आपके कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एमटेक के स्टूडेंट्स जो है थे वो 277 स्टूडेंट्स थे, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो प्लेस्ड स्टूडेंट है वो 212 स्टूडेंट जो है वो प्लेस्ड हो गए। अब आपको सही डेटा मिल रहा होगा कि एमटेक में कितने स्टूडेंट्स थे और उसमें से कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए। सर बाकी का प्लेसमेंट नहीं हुआ यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होता जो खुद ही ये चॉइस करते हैं कि भाई हम प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम पीएचडी करेंगे या फिर कोई हायर स्टडीज में जाएंगे या फिर अपना खुद का बिजनेस करेंगे या फिर हम आगे और कुछ नहीं करना चाहते या फिर वो एमटेक ही सही तरीके से नहीं किया। तो आप अगर देखेंगे कि 277 में से 212 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया है, जो एवरेज सैलरी दिया गया है वो 18.90 लाख पर एनम दिया गया है। दिस इज वेरी गुड रिजल्ट इन प्लेसमेंट। अगर आप किसी भी आईआईटी को कंपेयर करेंगे दिस इज वेरी 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 गुड फॉर प्लेसमेंट। दूसरा है अगर हम लोग पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में देखिए यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। लास्ट ईयर ये मैं अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि पीएचडी के बाद बहुत कम लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो 15 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट में अपीयर हुए थे और 15 के 15 स्टूडेंट्स जो है वो प्लेसमेंट ले चुके हैं। यहाँ पे इनकी एवरेज सैलरी जो है वो 22 लाख पर एनम के हिसाब से मिल रही है इनको। तो ये बहुत ही गजब है कि पीएचडी स्टूडेंट्स को ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट के जो ब्रांचेस है वो है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो मैं आपको दिखा रहा था, ये आपका ब्रांच जो प्लेसमेंट बहुत ही गजब का दे रहा है। और यहाँ पे सीएस जो है कंप्यूटर साइंस के ब्रांच जो है वो बहुत ही गजब का प्लेसमेंट दे रहा है। उसके अलावा मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है ये भी गजब का प्लेसमेंट दे रहा है। यहाँ पे इन सब में आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, मतलब जितने लोग प्लेसमेंट के लिए सीट होंगे, जितने लोग बैठेंगे उतने लोगों का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जा रहा है। यहाँ पे खास बात एक और चीज बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो बायोटेक्नोलॉजी, जिसको जो कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो ये है कि यहाँ के खास ब्रांचेस या फिर प्रोग्राम्स जो कि 100% प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जब चूज करेंगे तो ये सब चीजें जो है वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे एमटेक जो है वो आप गेट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एमटेक आरए जो कि रिसर्च असिस्टेंट, आरए और टीए के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसलिए मैं बोला कि हर चीज एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अब मैं एमटेक आरए और टीए को अगर मैं कवर करने की कोशिश करूँ इसी वीडियो में तो ये वीडियो 1 घंटा और ज्यादा हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने आधे घंटे का एक वीडियो आरए और टीए प्रोग्राम में आईआईटी मद्रास का बना के रखा हुआ है, तो आप एक बार जाके वहां पे एसटीआरए और नॉन एसटीआरए क्या होता है वो सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं, जिसमें लगभग 15 से 20 के व्यूज अभी तक हो चुके हैं एक ही महीने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एमटेक का सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड भी है जो मैं आपको पहले से बता रहा था।
सो दिस इज द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड करने का कोई फायदा है, तो एक्चुअली वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. तो आपको एमटेक अगर सेल्फ स्पॉन्सर्ड करते हैं तो आपको 12 से 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. तो आपको जो कंप्लीट कोर्स होने के बाद जो आपको मिलेगा वो इससे कहीं ज्यादा मिलेगा भाई. आप मतलब इतना सोच क्यों रहे हैं, अगर आपके पास इतनी इतना आप कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल है, तो आपको ना दूसरा डिसीजन गेट का फिर से एग्जाम देने की बजाय ना आपको इतना अपने आप के लिए खर्च कर देना चाहिए. 2 लाख, 2 साल का कोर्स रहता है जिसमें फर्स्ट ईयर के ही एंड होते होते आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप प्रोग्राम में मिल जाएगा किसी कंपनी का, जहां पे आपको 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे. उसके बाद फाइनल ईयर खत्म होने से पहले आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना काफी सारी इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उसमें आपको 100% प्लेसमेंट मिल रहा है, तो ये खास बात है. अब इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको फीस पता चल गया, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है. खास बात यह है कि यहाँ पे एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा है तो आप एडमिशन ले लिए, तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है. उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है. और हमारा जो आयुष है, हमारा बंदा जो कि इसी पर्टिकुलर कोर्स में गया हुआ है, सो आई विल गिव यू द बेटर आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स व्हेन आई इंटरेक्ट विथ हिम इन द कमिंग सैटरडे संडे. ओके, तो ये मेरा वादा है कि आई विल इंटरेक्ट डेफिनेटली. तो इसके बारे में मैंने इतना नॉलेज आपको दे दिया. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खास इसके बारे में और जानते हैं, जहां पे मैं आपको इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा और कर देता हूं. तो ये ऐसा नहीं है कि आईटी हैदराबाद का ये लास्ट वीडियो है कि इसके बाद और वीडियोस हम लोग नहीं देंगे या फिर मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा. मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उन वीडियोस का मैं जो बातें करूंगा वो इस वीडियो से थोड़ा सा अलग होगा. तो आईटी हैदराबाद के बारे में चर्चा चलती रहेगी, सारे आईटीज के बारे में चर्चा चलती रहेगी. तो यहाँ पे देखिए, एमटेक कोर्स है, आपके पास पीएचडी है और डायरेक्ट पीएचडी है, 3 प्रकार के कोर्सेस है. जो बैकग्राउंड आपको जरूरत पड़ेगी वो बैकग्राउंड बीटेक, यहाँ पे बीटेक एमएससी भी चलेगा, और ये सीएफटीआई कहीं कहीं लिखा रहता है. जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं बता दूं, ये सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होता है जो कि सेंट्रल से फंडेड होती है, जैसे कि आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, ये सारी चीजें जो है वो जो भी कॉलेज सेंट्रली फंडेड होती है उन कॉलेज को हम सीएफटीआई में रखते हैं. तो एक्चुअली में जो सीएफटीआई कॉलेज से होते हैं ना, उनको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको कुछ कुछ चीजें उनकी इग्नोर कर दी जाती है कि अगर वो गेट नहीं भी देंगे तो भी चलता है. तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी है, यहाँ पे देखिए सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को गेट के लिए गेट के एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो गेट ना भी दे तो भी चलता है. तो यहाँ पे देखिए नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके से हम पूरा कवर करते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले हम लोग बीटेक स्टूडेंट्स जो कि एमटेक करने के लिए जा रहे हैं, या फिर एमएससी स्टूडेंट्स जो कि एमटेक करने के लिए जाएंगे, नॉर्मल से स्टूडेंट्स, तो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपके बीटेक का है. तो बीटेक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास 6.0 सीजीपीए होना चाहिए या फिर 60% आपका मार्क्स होना चाहिए. अगर एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है तो 5.5 सीजीपीए होना चाहिए या फिर 55% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, आपका गेट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा. और आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है. तो ऐसा कोई चीज, ऐसा चीज नहीं है कि हर जगह आपको एसओपी और एसओआर की जरूरत पड़ती है. और यहाँ से जो आप इस कॉलेज में अप्लाई करेंगे वो सीओएपी के थ्रू करेंगे, सीओपी पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है. तो उसी प्रकार अगर कोई सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से है तो उसको गेट नॉट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 8.0 जो है वो आपका जनरल, मतलब उसकी बीटेक का परसेंटेज इतना ज्यादा होता है कि उसको गेट की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली. तो यहाँ पे 7.5 गेट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे एसओपी एसओआर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन उसको भी सीओएपी के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा. अब हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में एमटेक है या फिर एमटेक सेंट्रली फंडेड से करना पड़ेगा. तो अगर वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है तो देखिए उसको गेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो एमटेक करके करने की कोशिश करता है तो उसको गेट की जरूरत पड़ती है अगर वो सेंट्रली फंडेड से नहीं है. तो ये देखिए पीएचडी के लिए या फिर डायरेक्ट पीएचडी के लिए ना, आप यहाँ पे देखिए एसओपी एसओआर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप
क्योंकि मैं यही बता रहा कि आप जो यहाँ पे करने की प्लान कर रहे हैं वो पीएचडी करने की प्लान कर रही है, पीएचडी मतलब रिसर्च, और रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पर्पस तो बताना पड़ेगा कि क्यों रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ता है एसओपी एसओआर, ठीक है। और ये जो आप पीएचडी या फिर डायरेक्ट पीएचडी करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट पीएचडी मतलब आप बीटेक के बाद, देखिए पीएचडी जो है वो एमटेक के बाद होता है, लेकिन डायरेक्ट पीएचडी जो है वो बीटेक के बाद होता है। यहाँ पे भी देखिए बीटेक के बाद आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए डीबीटेक के बाद कर सकते हैं, तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जहाँ बीटेक के बाद आप इसको परस्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको इसको अप्लाई करना है तो पीएचडी या फिर डायरेक्ट पीएचडी के लिए आपको सीओएपी पोर्टल के थ्रू नहीं जाना है, ये आपको आईआईटी के वेबसाइट से जाने की नीड है, ठीक है, आईआईटी के वेबसाइट से जाने की नीड है। तो ये जो पूरी चीजें हैं इसको मैं अपलोड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ लिंक, लेकिन आज की इस वीडियो में नहीं, जब आपके पास आईआईटी का पोर्टल और सीओएपी का पोर्टल अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे सारे डेट्स वेट सब कुछ मेंशन करके मैं एक वीडियो में, जो जब मैं आईआईटी हैदराबाद का जब ओपन होने के बाद सीओएपी पोर्टल और सारी चीजें, तो उस समय पूरे डेट्स लिख के पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम मैं आपको देने वाला हूँ इस साल। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलने वाला है, तो एमटेक या फिर एमएस के लिए हमको आईआईटी जो है वो प्रोवाइड करने वाली है 12,400 रुपये, या फिर हम पीएचडी करें तो 31,000 रुपये और 31,000 रुपये ऑन फर्स्ट टू ईयर्स और फर्स्ट टू ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने आपको दिखा के रखा हुआ था पहले से कि एमटेक प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम एंड सिस्टम एंड कंट्रोल। और अगर हम लोग देखें कि इंटरडिसिप्लिनरी में क्या क्या अवेलेबल है, तो कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिपार्टमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मेडिकल सेंसिंग एनालिटिक्स एंड सिमुलेशन, और उसके अलावा जितने भी मैंने वहां पे आपको गिना दिए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब खास बात ये कि अगर हम एमटेक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हमारा गेट का कट ऑफ क्या होगा, ये हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं। तो ये एक खास चीज है जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा कि आपको सोचना है। तो कम्युनिकेशंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का हम लोग सोचना चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इयर्स का गेट कट ऑफ जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, बाकी सारी चीजें अपडेट करके मैं धीरे धीरे मेंशन करता रहूंगा। तो यहाँ पे जो गेट कट ऑफ इसका जाता है वो 827 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से है। अगर हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में जाएं तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 827 मार्क्स जाता है जनरल के लिए, मैं बोल रहा हूँ जो कि अनरिजर्व्ड है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम के लिए 827, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जहां पे मैंने ये बोला है कि अगर आपका 750 से ऊपर गेट का स्कोर है, सारी चीजें स्कोर पे डिपेंड करती है, यहाँ पे मार्क्स रैंक का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता। यहाँ पे जो भी चीजें आईआईटीज में या फिर पीएसयू में या फिर कहीं पे भी एडमिशन के लिए जिस गेट चीज का आपको डिमांड किया जाता है वो है आपका स्कोर, क्योंकि स्कोर जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन है किसी भी ब्रांच के सारे मार्क्स का। तो यहाँ पे सिस्टम एंड कंट्रोल में 827 गेट स्कोर कैसे फाइंड आउट होता है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना दिया है कि आप अपने मार्क्स को यूज करके किस तरीके से गेट स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है और आप उसको देख के अपने गेट स्कोर अपने मार्क्स के अनुसार फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा 2019 में जो गेट स्कोर गया था वो ऐसा गया था, तो डिपेंड्स अपन डिफरेंट गेट डिफरेंट ईयर्स ये जो गेट स्कोरिंग ये फ्लक्चुएट्स होते हैं, तो आपको उस फ्लक्चुएशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो अगर आपका गेट स्कोर 750 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको कोई भी ब्रांचेस मिल सकता है 750 से ऊपर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो दिस 750 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कैटेगरी के वाइज गेट स्कोर आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, ओबीसी के लिए ये है, एससी के लिए ये है और एसटी के लिए ये गेट स्कोर है। यहाँ पे भी आप कैटेगरी वाइज सब कुछ देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में सारा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप गेट स्कोर जो है वो 750 से अगर आपका ऊपर है तो डेफिनेटली यू कैन टेक कि आप आईआईटी हैदराबाद में एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार भी गेट का एग्जाम थोड़ा सा टफ आया था तो मे बी यहाँ पे भी गेट का स्कोर जो है वो 750 से ऊपर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंटरडिसिप्लिनरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी ब्रांचेस में किस तरीके से आपका प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी होता है, उन सब के लिए मैं अलग से आपको प्लानिंग बता दूंगा।
लेकिन यहाँ पे टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप गेट क्रैक कर लिए तो गेट के बेस पे अगर आपने एंट्री ले लिया तो वेल एंड गुड है। अगर आप उसके अलावा कोई और प्लान कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड या फिर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के रूप में, तो डेफिनेटली यू हैव टू अपेयर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर गेट स्कोर के बेस पे जा रहे हैं तो आपके पास ये जो है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में ये कट ऑफ आपका होता है। ठीक है, ये कट ऑफ आपका होता है, तो लगभग 700 के आसपास आपका कट ऑफ होगा अगर इंटरडिसिप्लिनरी में जा रहे हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो 700 के आसपास आपका कट ऑफ होगा IIT हैदराबाद में। राइट, सो दिस इज द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। तो यहाँ पे जैसे कि स्मार्ट मोबिलिटी में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक इंटरडिसिप्लिनरी है और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 650 गया है। इंटरडिसिप्लिनरी जिसमें मैंने आपको बोला कि आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो यहाँ पे भी इंटरडिसिप्लिनरी है जो कि नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो कंप्यूटर साइंस वैसे भी 100% प्लेसमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे 760 आपका कट ऑफ गया है। मैंने बायोमेडिकल को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला बताया, तो बायोमेडिकल में भी आपको इंटरडिसिप्लिनरी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गेट स्कोर ECEAN चल जाता है, और गेट स्कोर अगर ECEAN चल जा रहा है तो यहाँ पे आपका जो गेट स्कोर है वो 630 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये सबसे टॉपेस्ट ब्रांच है ना, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मैं यहाँ पे जब बता रहा था तो मैंने इसको कवर किया था शायद, तो एक बार मैं चेक करता हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसको कवर किया था, और यहाँ पे मैंने कवर किया था, ये देखिए नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो है ये आपका 100% प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम्स है, तो आपको इन प्रोग्राम्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है 100% प्लेसमेंट। देखिए नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, वहाँ पे सिस्टम मैंने लिख दिया, ये सिक्योरिटी है एक्चुअली। और ये जो है ये बीटेक इन एनी ब्रांच, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी है। और यहाँ पे गेट इन ESE और बीटेक इन ESE ये आपको जरूरत पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए जो आपका गेट का कट ऑफ गया वो 760 गया है, तो हर एक पर्टिकुलर के लिए एक वीडियो आप बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, मतलब मैं भी बनाऊंगा, लेकिन वो चाहिए कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर चीज को पूरी तरीके से कवर करना एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको काफी सारे, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, इंटरडिसिप्लिनरी, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट रिसोर्सेस, इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम, मेडिकल इनोवेशन डिवाइसेस, ये देखिए गेट का स्कोर मेडिकल इनोवेशन में 630 जा रहा है जनरल के लिए, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम सेंसर 640 जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि लो गेट स्कोर के लिए ये जो ब्रांचेस है इंटरडिसिप्लिनरी वाले, ये बहुत ही बेटर परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी में 100% प्लेसमेंट मिलता है आपको। तो आप देखिए लो गेट स्कोर है लेकिन प्लेसमेंट गजब है, और पैकेज कितना है 64 लाख। तो यहाँ पे देखिए ई वेस्ट रिसोर्सेस में 600 गेट स्कोर गया है, EAN ECE तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने गेट रैंक के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का प्रोग्राम है और यहाँ पे प्लेसमेंट गजब का है। एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे 640 है, तो लो गेट स्कोर अगर आपका है तो ये पर्टिकुलर ब्रांचेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज 2 ईयर्स का सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, यहाँ पे टेस्ट एंड इंटरव्यू है, 620 जो है वो आपका गेट स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक बढ़िया सा वो भी बना हुआ है कि 2021 में जो आपका रैंक और गेट स्कोर को किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2021 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे ही 2022 का भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे रैंक जो है वो 20 मिला है, तो आपका गेट का मार्क्स था 80 और गेट स्कोर था आपका 914। यहाँ पे रैंक जो है वो आपका 46 था, तो मार्क्स आपके पास 78 था और गेट का स्कोर था 891। ठीक है, तो किस तरीके से रैंक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स देख सकते हैं कि मार्क्स में किस तरीके से रिडक्शन आ रहा है, रैंक बढ़ता जा रहा है, मार्क रिडक्शन आ रहा है और स्कोर में भी किस तरीके से रिडक्शन आ रहा है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास 750 का गेट स्कोर है, तो ये स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं 759 का है, तो उस समय मार्क्स जो है वो 66.33 आया था,
और आपका रैंक जो है वो 438 आया था, ठीक है? तो इस तरीके से एक बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो है वो 51 है तो आपका रैंक जो है वो 2575 हो जाएगा, और आपका गेट स्कोर जो है वो 585, ये एक लो गेट स्कोर के अंदर माना जा सकता है। उसी प्रकार अगर आपका रैंक जो है वो आपका मार्क्स जो है वो 53 है तो आपका रैंक जो है वो 2127 हो जाएगा, और आपका गेट स्कोर 608 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बेहतरीन आपके पास एक चार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मैंने तैयार किया है, ठीक है? तो आप इसी तरीके से पूरी स्टडी कर सकते हैं। आप भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग इस मार्क्स को, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके रैंक और स्कोर को कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके आसपास की चीजें आपको भी मिलने वाली है। तो बहुत ज्यादा तो फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो मार्क्स 71.33 लाया था उसका स्कोर जो है वो 1000 था, सबसे टॉपेस्ट स्कोर, और रैंक जो है वो 4 था। धीरे से डाउन में आते हैं तो यहाँ पे 788 जो आपके पास गेट स्कोर है उसके अनुसार उसका मार्क्स जो है वो 55.67 था, और उसके पास रैंक जो है वो 183 थी। तो इसी प्रकार अगर 2171 अगर उसका रैंक है तो डेफिनेटली उसके पास मार्क्स जो है वो 37.33 होगा, और उसका स्कोर जो है वो 526 होगा जो कि एक लो गेट स्कोर में आता है। तो ये पूरा शीट जो है वो आपके लिए है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं इस साल का नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रीवियस 2 साल का एनालिसिस बता रहा हूँ। इस साल का तो अभी रिजल्ट पूरी तरह आया नहीं है कि आपको मैं इस तरीके का एग्जैक्ट एनालिसिस दिखा दूँ। ये एग्जैक्ट एनालिसिस है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है। तो इसमें यहाँ पे देखिए मार्क्स जो है वो 77.67, रैंक 4, और स्कोर जो है वो 915 है। और अगर यहाँ पे देखें कि 1950 जो रैंक है उसका मार्क्स कितना है, उसका मार्क्स 41 है, और उसका गेट स्कोर जो है वो 418 है। तो ये एक कनेक्शन है जिसमें आप रैंक, मार्क्स और स्कोर को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए है। तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का है 2021 का। सो इस तरीके से मैंने करेक्ट किया है, और क्योंकि आईआईटी हैदराबाद में फीस और बाकी चीज़ों की भी आपको जानने की इच्छा होगी तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको जो ज्वाइनिंग जब आप एमटेक करने जाएंगे विदाउट स्पॉन्सर्ड सीट, अगर आप स्पॉन्सर्ड में जाते हैं तो आपकी फीस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, 12 से 15 लाख के आसपास होगी। लेकिन अगर आप विदाउट स्पॉन्सर्ड जाए तो आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पे देनी पड़ेगी। वन टाइम फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्वाइनिंग फीस जो है वो 5000 रुपये देना पड़ेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस जो है वो 2500 रुपये देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 12000 रुपये देना पड़ेगा, और स्टूडेंट एक्टिविटी फंड में आपको 1250 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल वन टाइम फीस फॉर रेगुलर स्टूडेंट जो है वो 19500 रुपये हो गए, और टोटल वन टाइम फीस फॉर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे 10250 हो गया। पूरी डिटेल यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फीस का। ये तो आपके पास रेगुलर फीस हो गया। ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस फॉर एमटेक, एमडैश, एमएससी, एमए रेगुलर जो है वो आपको 6000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप जनरल स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए है या फिर ओबीसी के लिए, अगर आप एससी एसटी के लिए है तो नील फीस आपको देना पड़ेगा, कोई भी फीस नहीं। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट लेबोरेटरी या फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरी और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के लिए 40000 फीस जो है वो देना पड़ेगा। ये आपके लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड तरीके से या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड तरीके से एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यूशन फीस फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड, तो यहाँ पे 2,40,000 रुपये सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, और अगर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है तो उसको 40,000 रुपये देने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे। तो खास बात यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, अगर वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड है तो अगर वो कैटेगरी से है तब भी उनको 2,40,000 रुपये देना पड़ रहा है, और जनरल को भी यहाँ पे 2,40,000 रुपये देना पड़ रहा है जो कि आपका सेमेस्टर का फीस है, मतलब ट्यूशन फीस है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फीस होता है। उसके अलावा हॉस्टल एंड मेस फीस जो है वो अलग से है, जो कि आपके पास 36,300, जो कि 28,800 रुपये प्लस 7,500 रुपये, ये दोनों को ऐड करके दिया गया है। तो यहाँ पे हॉस्टल और मेस दोनों के एक्सपेंस को ऐड किया गया है यहाँ पे, मतलब आप समझ लीजिए ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर का है ना? तो यहाँ पे 28,800 रुपये प्लस 7,500 रुपये है। तो इस तरीके से टोटल फीस जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरी। यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड का
टोटल फीस जो है वो 2,48,500 रुपए हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसी प्रकार से पूरी डिटेल जो है, वैसे तो आपको यहाँ पे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्या फीस है क्या नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यू जस्ट डोंट वंडर कि सर ये कैसे हुआ। अब हम यहाँ पे आ जाए कि स्पेशलाइजेशन, इसकी एक खास बात है आईआईटी हैदराबाद की कि वो एमटेक आरए में जो लो गेट स्कोर के स्टूडेंट्स है उनको रिसर्च असिस्टेंट में एडमिशन लेता है टिल जनवरी, अगले साल जनवरी तक भी उनकी एडमिशन चलती है। इस बार 2023 के जनवरी तक एमटेक आरए में जो लो गेट स्कोर के स्टूडेंट्स है उनका एडमिशन चल रहा था। तो ये मत समझिएगा कि अगर आपने एडमिशन ले लिया जनवरी में तो आपको फैकल्टी जो है वो आइसोलेट करेगा कि भैया ये अभी अभी आए, ऐसी कोई भी माहौल वहाँ पे नहीं होती। स्टूडेंट्स जो है वो चाहे वो आरए से आए, लो गेट स्कोर से आए, सेल्फ स्पॉन्सर्ड से आए, इंटरेस्ट स्पॉन्सर्ड से आए, उनके लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर है। देर इज नो आइसोलेशन वाइल दे आर टीचिंग इन द क्लास और वाइल दे आर सिटिंग, वाइल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द प्लेसमेंट। जब वो प्लेसमेंट में बैठते हैं तो यहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड है या फिर आप गेट के थ्रू आए हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट्स की तरफ से आए हैं या फिर टीए है या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके उस समय जो आपने क्रेडिट हासिल किए हैं आपके डिफरेंट कोर्सेस में उस पर डिपेंड करता है, आपने कौन कौन से क्रेडिट चूज किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री अपने प्लेसमेंट सेल में आपको बैठने देगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए गया कि भैया जैसे गांधी जी को भेदभाव किया गया था अफ्रीका में वैसा हमारे साथ वहाँ पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एमटेक आरए में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, सॉलिड स्टेट डिवाइस, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और हर साल सीट्स जो है वो वेरी करती है, सीट्स में वेरी एवरी ईयर। तो जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो इसलिए सीट्स के साथ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मे बी इस साल जब ब्रोशर निकल के आएगा, जो मैंने ब्रोशर आपको बताया हर पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अलग अलग होता है, तो उस ब्रोशर में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ पोस्ट गेट गाइडेंस ऑफ आईआईटी हैदराबाद, जो कि एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में और कुछ जानने की जो भी आपको इच्छा रहेगी, जहां पे भी आपको क्वेरी है, तो यू जस्ट राइट एवरीथिंग वेयर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गेट की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास उड़ान और बुनियाद दो ऐसी बैचेस हैं जो कि 2024 और 2025 के लिए है, आप तैयारी कर सकते हैं गेट, आईआरएमएस, ईएससी या फिर सीएससी का, है ना। तो किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं आप अनअकैडमी से कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न और थिंक। तो यहाँ पे गोल नेम जो है वो आपको गेट एंड ईएससी डबल ईएससी सेलेक्ट करना है अगर आप उड़ान या फिर बुनियाद बैच से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 5:30 PM ऑन विच डेट, यहाँ पे 28 फरवरी लिखा गया है। देखिए 28 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, सिग्नल सिस्टम की क्लासेस चलने वाली है सुजय सर की 7 PM ऑन 28 फरवरी। तो आपको जब इस कोर्स को लेना है तो आप जस्ट यूज कीजिए कोड GA111, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है GA111, यहाँ पे लिखिए लिखा है GA111, यूज दिस कोड। आगे मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे एक खास बात ये कि अप टू 50% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट जो है वो 22nd से 28th तक ही मिल रहा है जो कि फरवरी 28th की क्लासेस के लिए मिल रहा है। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो 24 मंथ प्लस 6 मंथ फ्री मिलेगा, आइकॉनिक लेते हैं तो 24 मंथ प्लस 2 मंथ फ्री मिलेगा आपको। यहाँ पे ऑफर प्राइस जो है वो आपके पास ये है और ये आपका ऑफर प्राइस है। आप जस्ट यूज कीजिए GA111 कोड और एंट्री कीजिए इस पर्टिकुलर कोर्स में। यहाँ पे अगर हम और भी बात करें तो छोटी छोटी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको 50% का डिस्काउंट में अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस मिल जाएगा, आपको एक्सेस टू डिजिटल नोट्स, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है अनअकैडमी का जो आपको मिल जाएगा। GA111 आपका कोड है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड कोर्सेज में जो हिंदी में है, और इसके सब्सक्रिप्शन का जो 15 मंथ और 30 मंथ की प्राइस अमाउंट है जो यहाँ पे लिखी हुई है GA111 अगर आप कोड यूज करते हैं
तो वहां पे मिलेगा बेहतरीन गाइडेंस और सारे पीडीएफ नोट्स सारे कुछ। यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि इंग्लिश में भी आप रिकॉर्डेड कोर्स अनअकैडमी के ऐप में फ्लैट 20% डिस्काउंट में टिल 28 फरवरी तक ले सकते हैं। आपका जो कोर्स का अमाउंट पड़ेगा वो इतना पड़ेगा और ये जो ऑफर की वैलिडिटी है वो 22nd से 28th है और यहाँ पे GA1111 आपको कोड यूज करना पड़ेगा। आगे हम बात करें कि हमारी एक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है गेट और इसका सेंटर जो है वो दिल्ली में रहेगा। तो दिल्ली में हमारे सारे फैकल्टीज जो टॉप के फैकल्टीज है वो आपको मुलाकात करेंगे। इस कोर्स को भी आप ऑफलाइन कोर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्रीवियसली अनअकैडमी के आइकॉनिक या फिर प्लस के सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। तो 50% उस स्टूडेंट्स को मिलेगा जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं और ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। 33% उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो अभी से एडमिशन लेते हैं और 20% उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो गेट के रैंकर्स होंगे या किसी इंटरव्यू को क्रैक कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, खसरा नंबर 262, यहाँ पे साकेत, न्यू दिल्ली। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अगर आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचना है तो आप इसको स्कैन करके आपको गूगल मैप में उस एड्रेस तक पहुंचने का सारा रास्ता बता दिया जाएगा। ये है आपके पास बुनियाद और उड़ान बैच। अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड है तो आप इस अमाउंट के पर मंथ में नो कॉस्ट ईएमआई में, जिसमें आपको कोई भी ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, आप गेट ईएससी के कोई भी कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका पेपर वर्क जो है वो 2 घंटे के ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगा। GA1111 कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट और उसके साथ साथ हमारे गाइडेंस और स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। थैंक यू, टेक केयर। आई होप कि इतनी बड़ी वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक हिट कर देना, जो मुझे आगे के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन करेगा। और मैंने पहले ही ये बता दिया है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हालांकि मैं जानता हूं कि मैंने क्या बताया है, कितना बताया है, कितना आपको जानने की इच्छा है, वो सारे प्रोग्राम्स लेके मैं आता रहूंगा, आपके साथ मुलाकात करता रहूंगा, आपको एग्जैक्टली सारी चीजें बताता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।